आपको क्या लगा था मैं घर से बेस स्टेडियम तक दौड़ के जाऊंगा? इस लड़के को उस वक्त कुछ आइडिया था नहीं कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं, लाइफ में ऐसा छोटा बड़ा पोपट होता रहता है। और फिलहाल मैं वैसे हमारे घर के पास से एक छोटा पहाड़ टाइप का एरिया है तो उधर ही आया हूँ, और इसके ऊपर से मोस्ट प्रोबेबली हमें संबलपुर का कुछ व्यू देखने मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर। एंड फिलहाल तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूटी को किधर पार्क कर दूँ इधर, और फिर हम चल के ऊपर जाएँ क्योंकि फिटनेस भी ज़रूरी है। तो लेट्स गो। और ये जो मेरे पीछे बड़ी बिल्डिंग है वो सर्किट हाउस है, तो कोई कोई इसे सर्किट हाउस वाला पहाड़ भी बोलते हैं। अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा व्यू है ऊपर से। तो अभी यहाँ से हमें संबलपुर का फर्स्ट व्यू थोड़ा मिल गया है। हेलो जी, हम सर्किट हाउस के मेन गेट में पहुँच चुके हैं। सब इतने ऊपर आने के बाद सारे जो पैसे हैं वो व्यू के हैं, मतलब देखो यार क्या व्यू है। भैया चैनल का नाम क्या है? SUBHAMPNDIA। सब्सक्राइब कर लो। बहुत शांति है यहाँ पर वैसे। वो वाला फ्लेवर अच्छा है, वो फ्लाईओवर है ना, नया वाला नहीं बनाया। हाँ कभी कभी गया कि नहीं गया? हाँ उसके ऊपर नहीं गया, अभी तक ओपन नहीं हुआ ना। ऊपर मैं ऊपर चला गया। कैसे? हम जहाँ शुरू नहीं होता है इस तरफ से वही का वहाँ कर रहे। हाँ जो जो रहता है ना वो गार्ड उसको बोल के चले जाते हैं। पैसे नहीं देते? पैसे नहीं। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा कुछ कुछ आइडिया दे देता हूँ। ये जो पतली लाइन सी जा रही दिख रही है वो फ्लाईओवर ब्रिज है संबलपुर का, और इधर दूर में पूरा जाके ये जो छोटा दो लाइन टाइप का दिख रहा है वो चाउरपुर ब्रिज है। यहाँ से बहुत दूर है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। और ये वाला जो माउंटेन है वो बुढ़ाजा पहाड़ है, अभी वहाँ पर भी जाने का कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो देखते हैं। मतलब आज नहीं, इस ब्लॉग में नहीं, फिर कभी जाना है। कितने सब्सक्राइबर थे आपके? सब्सक्राइबर अभी अभी स्टार्ट किया है, एक महीना हुआ है। मैं भी कभी यूट्यूबर था। चैनल डिलीट हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। चैनल डिलीट हो गया? क्या बना देते? पबजी। पबजी
11,000 अब यहाँ पर बैठकर और क्या करूँ, सोचा म्यूजिक ही सुन लेता हूँ, तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पर आकर मैंने कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे, और वैसे वो सब निकल चुके हैं अभी, और मुझे भी अभी निकलना है। तो बस अभी इस जगह को हमने जितना देखना था अभी देख लिया है, बस अभी नीचे चलते हैं। मेरे सनग्लासेस की बहुत याद आ रही है भाई साहब, अभी मुझे नेक्स्ट लेवल भूख लगी है, तो अभी नीचे जाके एक इडली उपमा शॉप है, तो फिर उधर जाके कुछ खाना पीना खाएंगे। चलते हैं नीचे जल्दी। क्या टाइम क्या हुआ है, 8:17, नॉट बैड। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इस साइड का मिरर किधर है, तो यार जेसीबी ने आके ठोक दिया, आप क्या कर सकते हैं। इडली उपमा मिक्स later। वैसे यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे एक और नया लोकेशन मिल गया। एंड अगर आप सोच रहे थे कि मैं इधर कहाँ बैठा हूँ, तो बस ये टेबल के सामने ही एक काउच टाइप का हमने अभी अभी डाला है, तो वहीं पर ही बैठ रहा था। तो फिर आज की कहानी के लिए बस इतना ही था, और आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय।